ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। वो जान जाता है कि मेरे पापा दुखी हैं। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। पर वो ऐसे भी बोलता है कि पापा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कि ऐसी बात नहीं है, साइकिल से मैंने क्या लेना। ख्यालों में यादों के आकर रुजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। मैं बड़ा सिंगर बनूंगा और मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा उनके लिए और हमारे घर की गरीबी दूर करूंगा। जो इन्होंने अभी कहा ना कि इनकी मम्मी कपड़े सीती हैं और ये उनका हाथ बटाते हैं मशीन चलाने में, मेरी मम्मी भी कपड़े सीती थी बचपन में और मैं उनके साथ में बैठ के मशीन चलाया करता था। मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं जल्द से जल्द बड़ा हूँ और जो मेरी मम्मा के पास जो है हाथ वाली मशीन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है स्टिचिंग वाली वो ला कर दूँ। और सर जो इसने जो शर्ट पहनी हुई ना, ये भी इनकी मम्मी ने ही इनको सिल कर दी है। और जब मैं अपनी मम्मा के सिए हुए कपड़े पहनता हूँ सब मेरे साथ सब अच्छा ही होता है सर। उनका आशीर्वाद आ जाता है ना। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम वो सपना लेकर आए हो कि यहाँ पर सुपरस्टार सिंगर की दुनिया में तहलका मचा दोगे और उसके बाद अपने मम्मी डैडी के सारे सपने पूरे करोगे ना। हाँ जी सर। बेटा क्या सुनाओगे? मैम प्यारे सॉन्ग। क्या बात, नुसरत साहब। नुसरत साहब का। हाँ चलो, हम लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि तुम बढ़िया सा गाना सुनाओ और हमारा दिल जीत लो। ठीक है। Hey!
ना लागे ना ही मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे ना ही मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे ना ही मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे ना ही मारा जिया रे मनी के उड़ने की तमन्ना तो पूरी हो गई, लेकिन हमारे अगले भूचाल ऐसे हैं जो अपने ऑडिशन से पहले ही हवा में उड़ रहे हैं। मेरा नाम रुतराज है, मैं 10 साल का हूँ, मैं केरला में रहने वाला हूँ। तुमने हिंदी कैसे सीखा? मैं कार्टून देखे ही सीखा हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। अच्छा ये बताओ, सिंगिंग कब से कर रहे हो? ऐसे ही गाना शुरू किया मैंने एकदम से, 4 साल से सिर्फ इम। ये कौन आया बदमाश बच्चा कूदता हुआ नाचता हुआ? मेरा नाम रुद्राज है। ऋतुराज, क्या बात है, आपने आपके खंडों में इतना सारा पैसे क्यों लगा हुआ है? बेटा ये पैसे लग रहे हैं तुम्हें? हाँ। सॉरी मैम, ऐसा हर रोज सब लोगों के ऐसा परेशान करता है। बेटा तुम पैसों के पुजारी लगते हो? नहीं। तो सोने के पुजारी लगते? नहीं। हीरो के? नहीं। गानों के? हाँ। म्यूजिक के पुजारी लगते? हाँ। सुपरस्टार सिंगर के पुजारी लगते हो? हाँ। तो फिर गाना शुरू कर दो बेटा। हाँ। यहाँ पे पास हो या ना हो, लेकिन आगे तो तुम जिंदगी के मैदान में करेक्ट जाने वाले हो। तुमने जो टाइम पे सुर चूकते ही जो बोला टेम्पो, म्यूजिशियंस पे पूरा बिल फाड़ दिया तुमने। माइंड ब्लोइंग था ये, बेचारे हमारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस पे बिल फाड़ दिया 10 साल के बच्चे ने। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, टेम्पो ठीक से आप लोग बजा नहीं रहे हो। और ऐसा तुमने फंसाया है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तुम राइट हो भाई, टेम्पो फास्ट है। अब सही गाए, सुर अच्छा है। आ, 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 आ,
क्या बात है। स्टेज पर पता है तुम्हें? नहीं, मैं देखना चाहती थी तुम्हें और करीब से कि तुम चीज क्या हो। हाँ। क्योंकि वहां से तुम्हारी शक्ल बहुत क्लियर, इतनी छोटी सी शक्ल है, उतने बड़ा चश्मा। ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त। देखो ना नटखट आंखें, देखो बदमाश नंबर वन है ये। गुलाबी है। अरे पवनदीप तुमने भी गुलाबी पहना हुआ है। मैं
मैं घर से पिंक पहन के लाया था, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कब। क्या बात है, मतलब दिल से दिल मिले हुए, एक दोनों एक कलर पहन के आए, क्या बात है यार। एकदम करेक्ट बोला। तुम्हें शांति बैठना है पूरे शो में, आपको शांत आपको शांत बैठना है, मुझे बोला तुम्हें शांत बैठना है। अरुणिता तुम्हारी है कॉल। हम आपके क्या सवाल पूछा सर, प्लीज बताइए। सर ये बहुत अच्छे दोस्त है। अरे भाई पूछा तुमसे पूछा ही नहीं है मैंने, मैंने तो हमारे पापा से पूछा। ओके सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, आपने तो देखा ही 10 महीने हम लोग कैसे साथ थे। करेक्ट, क्या हंसते हंसते ये बात कही है तुमने पवनू। ठीक है कि दोस्ती है, पर दोस्ती अपनी जगह और मुकाबला अपनी जगह, इसीलिए दोस्त अरुणिता से छिपते छिपाते पवन म्यूजिक की तलाश में पहुंच गए नारियल पानी से मीठे प्रदेश केरला में। तो हेलो पवनदीप, हाउ आर यू? हेलो हेलो फाइन। गाना गाते हैं आप? सिंगिंग सिंगिंग नारियल ले लो, नारियल ले लो। हेलो बेटा, सिंगिंग करते हो? सिंगिंग नो। हाय अंकल, हेलो, एनी सिंगर? सिंगिंग सिंगिंग बेटी बेटी सिंगिंग। योर डॉटर सिंगिंग? वाह, मैं हूँ कैप्टन पवनदीप और मैं हूँ सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 से। तुम्हारे लिए यही कहना चाहूंगा आर्य नंदा, तुमने गाड़ दिया झंडा। पवनू तुमने क्या टैलेंट ढूंढ के लाए हो यार, नारियल तो स्वीट था, आवाज उससे 10,000 गुना स्वीट है। यस सर। अरुणिता तुम कुछ कह रही थी? यस सर, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे टीम पे आए, बहुत ज्यादा चाहती हूँ। हाँ ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी मेहनत से मैं ढूंढ के लाया हूँ। पवनू मुझे लग रहा है कि तुम किसी और के लिए सैक्रिफाइस करो ना करो, आर्य नंदा जैसी टैलेंट को अरुणिता को दे दो।
पवनु तुम किसी को भी मना करो यार, लेकिन अरु को तो मना मत करो यार। सर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया। अरे दे दो यार, इतने अरुणिता प्यार से कहो पवनदीप को कि भाई ये लड़की मुझे दे दो। दे दो यार। अब तो दे दो यार, दे दो यार। रख लीजिए। तो पवनु ढूंढ के लाया, लेकिन अब अरुदीप है तो पवन के पास जाए या अरुणिता के पास क्या फर्क पड़ता है, हमें तो नारियल पीने से मतलब है। राम राम। राम राम। मैं किश्तवाड़ से आई हूँ, जो जम्मू डिवीजन। आप जम्मू से हो? हाँ जी। कितने साल के हो? 8 इयर्स की। बेटा तुम इतनी अच्छी जगह से हो, वहाँ की कोई तस्वीरें कुछ दिखा सकती हो हमें? हाँ जी। दिखा दो। हाँ जी। केसर, केसर। ये तो जन्नत है। जगह है। वाह वाह। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी सौ टक्का बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। मेरा नाम समृद्धि सेन है और प्यार से लोग मुझे केसर बुलाते हैं। सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। किश्तवाड़ बहुत खूबसूरत जगह है, मेरे पीछे देख ही सकते हो कितना सुंदर है किश्तवाड़। समृद्धि तो ऑडिशन में सेलेक्ट होकर टेंशन फ्री हो गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जजेस को अपने टैलेंट से टेंशन देने आए हैं। दुनिया को छोड़ के गली आई रे, आई रे, आई रे, आई रे, अपलम
so cute. मुझे गाना ही जाना है. गाना ही नहीं चाहिए. चॉकलेट बॉकलेट कुछ नहीं चाहिए. किसने बोला कि तुमको गाना गाने के लिए चॉकलेट छोड़ना पड़ेगा? हाँ मम्मी और डैडी. स्माइल एकदम मतलब फिक्स्ड है. सब कहते हैं मैं हसमुख लाल हूँ. वही कैप्टन साइली सरप्राइज करने पहुंची म्यूजिक इंडस्ट्री के एक सदस्य को. आई होप विश्वजा ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाए और मेरी टीम में आए. और जरूर आए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजा जाधव. कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से. अच्छा महाराष्ट्र से आए हैं? यस. आप म्यूजिक कहाँ से सीखती हो? मैं एक्चुअली म्यूजिक सीखी नहीं हूँ बट मैं सीखी हूँ तो मेरे पापा से सीखी हूँ क्योंकि वो एक म्यूजिशियन है. पापा से मतलब कहाँ आए हैं आपके पापा? वो मेरे पापा है. अच्छा अरे सर आपने कभी बताया ही नहीं कि ना आपकी बेटी गाती है. जी आज तक मैंने बहुत लोगों के साथ बजाए हैं. ये सब जो धुरंधर बैठे हैं आज बच्ची यहाँ पे परफॉर्म करेगी तो बस दुआ चाहिए सबकी. आप वहाँ क्या कर रहे हैं सर? आपको तो यहाँ स्टेज पर आना चाहिए सर. प्लीज आ जाइए. जी जी जोरदार तालियां. यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र आज मुझे लग रहा है 10 कदम का वो बहुत मतलब मेरा दिल भर आ रहा है एक्चुअली क्योंकि ये वहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र मैं कर रहा हूँ बस मेरी बेटी विश्वजा की वजह से. क्या बात है सर. मैम हम सबको पता है बीइंग एन आर्टिस्ट जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी क्या हालत थी. मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन था बिकॉज सब चीज़ें बंद हो गई थी यू नो. और एक टाइम ऐसा आ गया था कि विजय दादा ने अपने घर चलाने के लिए इन्होंने सब्जी तक भी बेचना पड़ा था. मतलब ऐसा कंडीशन आ गया था लॉकडाउन में. 20-22 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में लेकिन इतना पैसा नहीं जुड़ा पाया कि लॉकडाउन के जो पहले 6 महीने थे वो भी निकाल पाऊँ. सैर भैर झालं सार काळा आड घेऊन गेला देवा कसा फासयो तुझा. वो टाइम पे कुछ अलग काम भी करने पड़े. सब्जियों का ठेला डाला है या फिर चाय की दुकान संभाली है. भुर्जी पाव की गाड़ी डाली है. बड़ा पाव की गाड़ी डाली है.
बहुत दिक्कत हुई, मतलब कभी कभी अकाउंट में 30-32 रुपए, दूध लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कैसे क्या करा आपने? फिर दोस्तों से, भाई 100 रुपए हो गए तो दे, तेरे को लौटा दूंगा जैसे ही काम आएगा। ये शिवर जीव टांगला ये वकसफा से यो तुझार, ये वकसफा से यो तुझार। यू नो मैं उनकी डॉटर, तो वो फील होता है थोड़ा कि वो टेंशन में है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब मुझे दिखता है, बट वो मुझे कभी बताते नहीं है। हम मेरे सामने हमेशा एक हैप्पी लाइफ है हमारी, यही दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं सुपरस्टार सिंगर वो मंच है जहाँ पर म्यूज़िक की बातें होती हैं, हम लोगों के सामने लाते हैं ताकि लोगों का थोड़ा सा नज़रिया बदल सके कि हर गाने के पीछे वो कंपोज़र, सिंगर, लिरिक राइटर ज़ीरो है, सबसे बड़ा ज़ीरो। इतने काम करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर वो म्यूजिशियंस है ही नहीं तो कभी भी जब आप एक गाने को सुने, ऑडियंस से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि अगर एक गाने को सुने तो उसके कंपोज़र, सिंगर, लिरिक राइटर का नाम जब आप पढ़ते हैं और गाना आगे लेके जाते हैं तो ज़रूर सुनिए कि उसमें फ्लूट किसने बजाया है, उसमें कीबोर्ड किसने बजाया है, उसमें तबला किसने बजाया है, उसमें बेस गिटार किसने बजाया है, बिकॉज उनके बिना तो वो गाना सजेगा ही नहीं। मुझे एक ही कहना है कि मेरे बाबा पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट बाबा है। yes. और कुछ भी छोटी से छोटी चीज लानी हो तो वो कहीं से भी उठा के ला देते हैं। एंड आज आप साथ देंगे अपनी बेटी का? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज आप वहां नहीं, यहाँ बैठकर उसका साथ। ये मेरा सौभाग्य रहेगा सर। Hey!
मोहर मार दीजिए। बहुत ही अच्छा गाया उसने और इससे भी और ज्यादा अच्छा आगे गाएगी ऐसे आशा करके मैं उसको ये मोहर देना। मारिए मोहर। सर आज ये सर्टिफिकेट लीजिए और अपनी बेटी को ये सर्टिफिकेट सुपरस्टार सिंगर के ऑडिशन का दीजिए। थैंक यू सर। जो अगला कंटेस्टेंट आ रहा है सर, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर आइडल देखा है। हम में से हर किसी को वो जानते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने आइडल देखकर ही सीखा है। क्या बात है? तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मैं सरगम करके लेके बुलाता हूँ। नहीं निसासा, नहीं निसासा, सरगम। क्या बात है। दिन चढ़ गया, सूरज नया निकल गया। नमस्ते जजेस और सभी कैप्टन्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सरगम कुशवाहा। आप इंडियन आइडल की बहुत बड़ी फैन हैं? जी हाँ, मैं इंडियन आइडल की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने पूरा सीजन सुन के म्यूजिक भी सीखा है, तो मैं सारे कैप्टन्स को जानती भी हूँ और मैं पहचानती भी हूँ, तो सबकी आवाजें सुन के मैं पहचान लूंगी। अच्छा, एक बार हम लोग टेस्ट लें आपका। जी पहचान पाएंगे आप? जी बिल्कुल। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। पवनदी भैया। क्या बात है। नेक्स्ट। इश्क तेरा मेरे अंदर गीता। बाहों में चली सैली दीदी। मेरी सबसे फेवरेट। और सायली दीदी, आप मुझे एक बात बताओ कि कामले काका और कामले काकी कैसे हैं? एकदम मस्त, एकदम एकदम अच्छे हैं। और मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि जितना अच्छा आप गाती हैं उतना ही अच्छा आपका दिल भी है। आपका दिल बहुत साफ है और वो आपकी गायकी में दिखता है। इनफैक्ट मैंने आपको इमेजिन भी किया है कि आप कैसे दिखते होंगे। थमती चलती है जुम्बिश, दिखती छुपती ये रंजिश। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बार टच करके देखना चाहूंगी, प्लीज। मैं उधर आती हूँ। यस यस। ये हालात है, ये जज्बात है, क्यों दिल में भरे सवालात है। ये हालात है, ये जज्बात है, क्या सर से। अच्छा सरगम, अब तुम बताओ कि तुम क्या सुनाओगी। मैम, मैं आइए मेहरबान सुनाने वाली हूँ। आइए मेहरबान। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए बेटा, तुम्हारी यूनिक आवाज, टोनल क्वालिटी,
और वो जो फॉल्सेटो तुमने लिया उसकी वजह से यहाँ पर मैंने तुम्हें दे दिया है डन 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 सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर। अलका जी ने भी तुम्हें दे दिया है सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। मेरी तरफ से भी ये थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.